आदाब नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत अच्छी है, मज़ेदार है, ब्रेकफास्ट के लिए है और ना लंच में भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। हम आज आपको बनाना सिखाएंगे मिक्स पोटैटो, एग मिक्स पोटैटो। ठीक है, थोड़ा सा सस्पेंस भी रखना पड़ता है इसलिए कभी कभी मैं ऐसी चीज़ भी बोल देती हूँ। चलें आज हम, मैं और मेरा भाई बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं हम। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले जाएं मेरे चैनल जुगनू डिलाइट को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चलें जी, अब हम आपको बताते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने दो एग लिए हैं यानी कि दो अंडे लिए हैं। उसके अलावा हम लोग मसाले में क्या लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें और गरम। आपको देखिए मैंने पहले से आपको अंडा तोड़ के भी एक दिखा दिया है, इस तरह तोड़ के रख लिया है मैंने जल्दी के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें काम करना होता है सारा। मैंने दो अंडे लिए थे, इसमें से एक अंडा तोड़ के मैंने दिखा दिया है। मसालों में मेरे पास लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च ली है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है और मैंने काली मिर्चें पिसी हुई ली हैं, नमक लिया है, नमक और ये काली मिर्चें हैं, ये लाल मिर्चें, ये सब आप हसबे जायका लिएगा जितनी आप लेते हैं, क्योंकि हम हरी मिर्चें भी डाल लें। इसके अलावा धनिया है, मैंने धनिया भी डाला है, थोड़ा सा पुदीना लिया है, आलू काट के रख लिए हैं ये छोटे छोटे बारीक, प्याज है, ये देखें हरी मिर्चें भी डालें, इसलिए जो है मिर्चें आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब हम आपको डालना सिखाते हैं। एक अंडा मैंने पहले तोड़ लिया था जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, अब हम दूसरा अंडा तोड़ के डालेंगे। अब हम अंडा तोड़ लिया, अब हम इसे फेंटेंगे। इस तरह आपने फेंटना है। अब इसमें धनिया डालो, धनिया डालने के बाद आप जो हैं अब मसाला डालेंगे, काली मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक, जो मैंने आपको कहा था कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा यानी कि हसबे जायका। अब हम इसमें ऐड करेंगे पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लें, ये मिक्स हो गया अब हमारा। अब हम इसमें पोटैटो ऐड कर रहे हैं यानी कि आलू जो मैंने उबाले हुए थे वो डालेंगे। ये देखें इस तरह बारीक बारीक काटें, कितना अच्छा कलर आ रहा है अब इनका। मिक्स करेंगे इनको अच्छे से, ये सारी चीज़ें खूब अच्छे से मिक्स कर लेनी है आप लोगों ने, बहुत अच्छी रेसिपी होती है। हरी मिर्च और ये मैंने प्याज पहले ही गोल्डन करके रख ली थी, तो ये अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह मिक्स हो गया। अब हम इसको फ्राई करने के लिए, अब इसको फ्राई करेंगे। ये देखें तेल हो गया है मेरा गरम। अब मैंने आपको ये देखें, ये मैंने इस तरह मिक्स कर लिया है, ये देखें। अब मैं ये इसमें डालूंगी, जब तेल गरम हो जाता है, जब आप कोई भी चीज़ डाल रहे हो तो उस वक्त अपने चूल्हे की आंच यानी फ्लेम की आंच कम कर लिया करें। अब हम डालेंगे इसको, फ्राई करेंगे। ये मैंने अपने भाई के साथ मिलके, आपने मैंने पहले आपको बताया था, मेरे भाई को मैं बता रही थी, उसने ये सब मिक्स करके बता दिया। अब फ्राई मैं खुद करूँगी क्योंकि गहरी बात है, उसके लिए थोड़ा तजर्बा चाहिए होता है। तो ये देखिए अब मैं इस तरह डालूंगी आराम से नीचे हाथ करके, ये फैला दें आप चम्मच से। ये देखें अब ये होने लगा है, धीमी आंच रखते हैं तो छींटे भी नहीं उड़ती हैं आपके और आराम से आप चीज़ डाल देते हैं। बाद में आप थोड़ी सी फ्लेम की आंच तेज़ कर लें ताकि अंडा आपका अच्छे से फ्राई हो जाए। लोग इसको मक्खन में भी फ्राई करते हैं, आप मक्खन चाहे मक्खन यूज़ कर लें, जो भी आप अगर घी में बनाते हैं तो घी में बना लें, आपकी मर्जी। अब हम इसको पलट देंगे। ये इस तरह पलटना है आप लोगों ने, अंडा बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती है।
3 मिनट और करेंगे हम। ये देखें ये लाइट ब्राउन कलर आने लगा है हमारा, ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारा। अब मैं बस निकालूंगी इसको प्लेट में। फ्लेम बंद कर दिया है मैंने, अब मैं ये निकालना शुरू कर रही हूँ। ये देखें इस तरह, ये देखें अब मैंने अंडा प्लेट में निकाल लिया। ये देखें आप रोटी के साथ खाएं, मैंने रोटी रखी है और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है अंडा, बच्चों को हर रोज़ नए नए फ्लेवर चाहिए होते हैं। तो आप इस तरह पोटैटो मिक्स पोटैटो एग भी बना सकते हैं या इसके अंदर और दूसरी टमाटर और दूसरी सब्जियां डाल के, शिमला मिर्च वगैरह भी डाल के। मैं आगे एग की और रेसिपीज़ भी बताऊँगी और दूसरे तरीके से भी अंडा बनाने का तरीका बताऊँगी आपको। इसके अलावा ये कि आप लोग चाहें तो डबल रोटी से खाएँ, आप लोग चाहें तो पराठा लें, पराठे के साथ भी अंडा बड़ा मज़े लगता है, अंडा पराठा बड़ा अच्छा लगता है। पूड़ी के साथ भी आप खा सकते हैं, मैंने रोटी ली है चपाती यानी कि उसके साथ हम लोग खा रहे हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।